ये जो आज न्यूमरल्स हम सब यूज करते हैं, ये कैसे यूनिवर्सल हो गए कि अलग अलग सभ्यताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में हम देखते हैं, पेड़ पौधे, रहने खाने पीने के। पर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो न्यूमरल्स, बेसिक लॉजिक्स, अर्थमेटिक्स, एल्गोरिथम सब एक सा ही यूज कर रहे हैं आजकल। ये ग्लोबलाइजेशन तो अब बाकी चीजों में आ रहा है, हम एक जैसे हो रहे हैं, पर नंबर्स मैथ में हम बहुत पहले से एक जैसा ही कर रहे हैं। तो इसकी एक हिस्ट्री पर आज हम वीडियो में बात करते हैं। एक स्टोरी टेलर की तरह आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो कुछ घटनाओं का जिक्र होगा, पर वो आप उसे हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह ना देखें। मैथमेटिक्स के जो मैं आप कंसेप्ट आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, उसका जो जिस्ट है उस पर आपका ध्यान दें। यह डिस्क्लेमर था, आइए शुरू करते हैं। उन दिनों की बात है कि बगदाद अरब में लोगों ने काफी मैथ को डेवलप कर लिया था, तो वहां पे एक प्राउड महसूस होने लगा था कि हम अच्छा व्यापार कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही थी, और हमारा जो क्रेडिट है बादशाह अपने मैथमेटिशियन को देता था। देना भी चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल वर्क को उसका क्रेडिट हमेशा मिलना चाहिए। पर उनके अंदर अब एक अहम भाव जा चुका था। उन्हें लगने लगा था कि ये दुनिया का जो गणित है, ये जो रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया, इंडिया, बाकी सबके जो गणित जानते हैं, उनसे बेहतर, उनसे उन्नत हम लोग कैलकुलेशन करना, गणनाएं करना, उसको यूज करना, डॉक्यूमेंटेशन करना जानते हैं। हाँ, चैलेंज उस समय आ रहे थे। उस समय अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग मैथ करके लिखने के नोटेशंस, कैलकुलेशन के तरीके थे। पर बगदाद और अरब वाले देशों को बेहतर उन्हें लगने लगा था कि वो ज्यादा अच्छा, उसी की वजह से उनके यहाँ मार्केट या जो ग्रो हुआ था व्यापार में, वो आगे बढ़ रहे थे। कंटेम्परेरी इंडिया में क्या हो रहा था, वहां पर गुरुकुल प्रक्रिया, ऋषि मुनि अपने जो एक लर्नर्ड थे, मैथ को सीख रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। जब इंटरेक्शन होता है व्यापार के दौरान, जब उन्हें पता चलता है कि बगदाद के लोग ये बात मानने लगे हैं कि उनका ही गणित सुप्रीम है, सुप्रीमेसी जो फीलिंग आई, तो इंडिया वाले एक जो गुरुजी थे उन्हें थोड़ा सा चुप्पी है। वो ये नहीं कह रहे कि अच्छा कर रहे हैं, सब लोग इससे एग्री करते हैं, पर उन्होंने जो खोजा था इंडिया वालों ने, अब तक उन्हें लगता था कि इतना सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, और अगर ये दुनिया को पता चले तो और बेहतर होगा। तो ये तरीका तो उन्हें पता चलना ही चाहिए। अभी जो अरब के लोग कर रहे थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उससे बेहतर और सरल तरीके को हम इंडिया वालों ने खोज लिया था। तो वो अपने एक बेस्ट स्टूडेंट को बुलाते हैं, कनक उनका नाम है, उससे कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा अरब। उसने कहा मुझे ही क्यों चुना आपने? उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि इंडिया में जो हम डेवलप कर चुके हैं, और हम इतनी जो दुनिया बाकी इतना उसमें जटिलताओं से उतना जूझ कर उतने मेहनत के साथ करती है, उसे हम चुटकियों में कर लेते हैं। उन्हें पता तो चले वो जिस सुप्रीमेसी के अहम में जी रहे हैं, केवल उन्हें बता के आओ, हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो आपको जाना होगा। उसने कहा महाराज, क्या मैं डिजर्व करता हूँ, क्या मैं योग्य हूँ? उसने कहा उसके लिए आपको ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, एक किताब दी गुरुजी ने, ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी, हमारे इंडिया के बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं, इसका अध्ययन करो और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे उन्हें बताने हैं, इसकी कुछ थ्योरम्स आपको वहां बतानी है, और आपको जिससे ही साबित हो जाएगा, वो खुद ही समझ जाएंगे जब आप इसकी लर्निंग को उनके सामने रखोगे कि वो कहाँ पर हैं और हमारा स्तर क्या है, तो आपको तैयारी करो। तो वो उन्हें किताब दे देते हैं। थोड़ा सा कनक डाउट भी करता है, क्या महाराज हमें ये शेयर भी करना चाहिए? ये तो हमारे पास इतनी विजडम है, इतना हमने हमारे ऋषि मुनियों की ब्रह्मगुप्त का ज्ञान है। उसने नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है, इसमें कोई डर की बात नहीं है, आप उन्हें बताओ और वो इस नॉलेज को सीखेंगे, दुनिया में बेहतर हो। नॉलेज का पर्पज ही यही है कि सब लोगों तक सबका वेलफेयर हो। तो ठीक है, कन्विंस कर लेते हैं कि इसमें कोई नॉलेज शेयर करने में कोई खतरा नहीं है। तो अपनी तैयारी करता है, तैयारी करके वो पहुंच जाता है जो बगदाद के बाहर राजमहल के बड़ा सा गेट के बाहर वो बैठा है, उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता है। वो उनसे पूछता है इसमें कि मुझे खलीफा से मिलना है आपके, अल मंसूर उनका नाम मुझे ध्यान आ रहा है, अल मंसूर उनका नाम था, कि मुझे उनसे मिलना है, जाने दो, मैं मैथमेटिशियन हूँ, इंडिया से आया हूँ। उन्हें बैठिए, अभी बात आपको बदल जाएंगे। तो आपस में वो झगड़ा कर रहे थे, मंत्री उनके जिन्होंने रोका था, कनक बैठ गया साइड में बेचारा, उसे अंदर एंट्री नहीं हुई। वो कहा कि मैंने 125 दिनार, 125 पैसे, रुपए मान लो कि यूनिट है, पर 125 जो भी थे दिनार थे उधार लिए थे मेरे दोस्त ने, वो मुझसे कहा था कि 5-5 दिनार में तुझे देता रहूंगा, और 1/10 जितने भी कुल टोटल है उतने ज्यादा तुझे मिल जाएंगे, मैं तुझे वापस कर दूंगा इतना। तो मैंने दे दिए और हर महीने में 5-5 हज़ार देता रहा, और आज लगभग 2 साल हो गए हैं। वो कहता है कि डन, पूरा हो चुका है, अभी हमारा तुम्हारा जो लेन देन था पूरा हो चुका है, पर मुझे फील आ रहा है कि मुझे चीट किया है उसने, मुझे पूरा नहीं हुआ है। पीछे से बोलता है वो बेटा कनक, सुन रहा था ये बात, हाँ आपको चीट किया गया है। दूसरा बोलता है सिपाही, तुम्हें पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं ये, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, तुमने बिना जाने उसके ऊपर कैसे आरोप लगा दिया? उसने कहा मैं उसे नहीं जानता हूँ, पर मैं गणित को जानता हूँ,
और मेरा गणित ये कहता है कि इस आदमी के साथ धोखा हुआ है। और तुम क्या गणित को जानते हो, बताता है कि कुल 28 महीने तक उसको कुल पैसे देने थे 27 महीने 5-5 दिनार और 28वें महीने 2 दिनार और आधा दिनार देनी थी, तब जाके जो ये एग्रीमेंट हुआ था तब पूरा हो। समझाया कि कुल 28 महीने तक आपको दिनार मिलने थे, 27 महीने तो मिलने थे 5-5 दिनार और 28वें महीने 2 दिनार और आधा दिनार मिलना था, तब जाके आपका हिसाब पूरा होता। आप भी गणना करके देख सकते हैं। वो कहते हैं अच्छा, वो अपने एक गणितज्ञ के पास में कहते हैं हमने कहीं खाते में लिखा था, उसको चेक करते हैं, उन्होंने लिख के दिया था कि इतना अमाउंट होना चाहिए, देखते एग्जैक्ट वही अमाउंट जो उसने बताया उतना ही टाइम उसमें मिलना था। वो उसके चौंक जाते हैं कि वाह आप तो वही बहुत ज़्यादा गणित जानते हो, आप तो बड़े में बहुत अच्छा गणित है, आपने इतना मिनटों में कर लिया, मेरे गणितज्ञों ने तो काफ़ी टाइम लिया था, तब जाके मुझे एक नोट बना के दिया था कि इतना मुझे चाहिए। उसने कहा मुझे राजा से मिल पा, मैं राजा के साथ भी साझा करना चाहता हूँ। अब वो थोड़ा राजा के पास जाके दोबारा अर्जी लगाते हैं कि बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं उनसे मिल लीजिए। तो राजा थोड़ा कन्विंस होता है उनसे, अपने मंत्रियों की बात सुनकर उसे बुला लेता है कि आ जाओ। बताता है कि महाराज मैं आपको भारत के उन्नत और विकसित गणित के बारे में कुछ साझा करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप सरप्राइज हो जाओगे, चौंक जाओगे भारत के उन्नत और विकसित गणित को देखकर। राजा को लगता है कि हमसे अच्छा इससे बेहतर कहीं है नहीं, फिर भी ठीक है बताओ क्या बताना चाहते हो। पहला सवाल ही रखता है अंडर रूट 6 और अंडर रूट 24 का जोड़ बता सकते हैं कि आप, अंडर रूट के में आंसर आना चाहेंगे। तो उस समय जब लोग गणना करना हर एक के बस की बात नहीं थी, कुछ गणितज्ञ लोग ही समाज में, एक दो गिने चुने लोग थे वही गणना करते थे, आम लोगों को गणना करनी है गिनती वगैरह कल उसे गणना नहीं आता था। और कुछ लोगों उन लोगों को भी जो महारथी थे जोड़ना घटाना भाग करना सीख चुके थे, पर रूट में घटाना जोड़ना उनकी सोच से बाहर था। कोई एक जो बिरले ही होते थे पूरे शहर का जो खास एक होता था उसने कुछ कुछ नॉलेज से बनाया होता था, पर उस सवाल को सुनकर वो चौंक जाता है कि इसके लिए कर तो लेंगे बहुत टाइम चाहिए। वो कहता है मैं आपको इसे क्विक मिनटों में सॉल्व करने का फॉर्मूला दे सकता हूँ। अच्छा, तो गणितज्ञ से पूछता है हाँ भाई क्या कहना है आपका, कि महाराज हो तो जाएगा पर बहुत जटिल समस्या है, बहुत समय लगेगा इसे, पर ये सब आप कह रहे हैं कनक जी मिनटों में कर देंगे, देख लेते हैं इन्हें। कहते हैं कि इस सर इसका जो ये सवाल है अगर हम इसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माने तो इसका जवाब होगा अंडर रूट सी अंडर रूट ए अपॉन बी का स्क्वायर ए अपॉन सी का स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी का टोटल का होल स्क्वायर। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे सवाल हल हो जाएगा। तो हम करते बोल सी कहाँ से आया, सी क्या है, उसने सी कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर चुनेंगे जो इसको जो संख्या है इनको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो। कहते जैसे इस सवाल का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देखेंगे 6 चुना उसने और जो कैलकुलेशन की उसने, लाइए मैं इसे करके दिखा देता हूँ आपको, आपके लिए ना क्या किया उसने। सवाल था रूट 6 प्लस रूट 24 को ऐड करना था, ऐड करने के लिए उसने फार्मूला जो बताया, अब सी चुनना था तो सी उसने ऐसा नंबर चुना दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो आप अगर ट्राई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो 6 ऐसा नंबर है 1 और 6 चौक 24, यानी 1 और 4 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो शुरू करता है तो फार्मूला हम लगा रहे हैं 6 ए हो जाएगा हमारा ए अपॉन सी यानी 6/6 प्लस रूट बी अपॉन सी यानी 24/6 और इसका स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा 6 ये 1 हो गया, ये हो गया 4 प्लस रूट 24 हाँ मिलता है रूट 54। अक्सर करते कहानियाँ कब लगता हूँ, तो काफ़ी अमेजिंग था। तो वो कहते गणितज्ञ दूसरा गणितज्ञ पीछे से बोलता है कि बहुत अच्छा बड़े शानदार कुछ और बताओ कुछ और बताओ। तो कहता है कि हम जो ये परिमेय संख्याएं हैं भिन्न नंबर संख्या उन्हें बोलते हैं, इनको भी हम सेकंडों में जोड़ना घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। सब चौंक जाते हैं कि भिन्नों का जोड़ना घटाना उस समय बड़ा ही दुर्लभ था, नहीं कर पाते थे लोग, कर पाते थे वही जैसे मैंने बिरले लोग कर पाते थे। उसने कहा बताइए कैसे कर पाते हो। तो उदाहरण लेते हैं 2/3 और 5/7 इनको अगर जोड़ना हो तो लोग बाग लग जाते हैं, तो मिनटों में जो कनक के बता देता है 29/21। तो सरप्राइजली वो सब कहते हैं कैसे हो गया, ये तो मैजिशियन है, ये तो जादूगर है, ये गणितज्ञ नहीं है। तो कहता है कि आप प्लीज इसे एक्सप्लेन कीजिए आपने कैसा किया। तो कहता है सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, बताओ हम तो आपका गणित आप हमारे यहीं रुको, हम चाहते हैं कि आप हमारे गेस्ट बनो और हमारे गणितज्ञ आपके साथ अपनी नॉलेज साझा करो। वो बताता है कि मेरे पास एक किताब है
जैसे भी मैंने सारी नॉलेज मैंने सीखी है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत हमारे महान कर्तज्ञ ब्रह्मगुप्त जी ने लिखी है, वहां पर साझा करने को तैयार हूँ और इसी उद्देश्य के लिए आपके पास आया। तो वो वहां पर रुकता है कई महीनों तक, आदान प्रदान होता है। ऐसा मानते हैं कि उस समय लिखित किताब नहीं थी, एक्चुअली उसको याद थी, तो ओरली वो पूरी किताब उनको जो नॉलेज थी वो ट्रांसफर करता है। तो यहाँ से जो हिंदू सिस्टम था गणनाओं करने का, जो ये अमेजिंग सिस्टम था, जीरो के हम अपना आविष्कार कर चुके थे, जीरो के साथ गणना करना सीख चुके थे, या जीरो से लेकर एक तक इन 10 अंकों से हम कोई भी अंक संख्या लिख सकते थे, उनमें गणनाएं कर सकते थे। इसने दुनिया को, उन अरबों को, उस बगदाद के महल को चौंका दिया। मोनोलिथ ट्रांसफर की, उनके वहां के जो एक मेन लर्नर थे, उसका नाम मैं लिख दूंगा, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, उन्हें टास्क दिया गया इस नॉलेज को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए। उस नॉलेज को अरबी में ट्रांसलेट किया गया। अरब लोग व्यापार में, बताया जाए, बहुत उन्नत होते, सब जगह जा रहे थे। तो यहाँ से ये जो नॉलेज थी वो सब जगह जाने शुरू होती है। तो उन नंबर्स को अरब नंबर्स कहना शुरू किया गया। लेटर जब बाद में एक्नोलेज किया गया कि हमने तो ये हिंदू कल्चर सीखे हैं, तो ये नंबर जो अरब नंबर के नाम में फेमस हो रहे थे, न्यूमरल, हिंदू अरेबिक नंबर्स हो गए। यानी जो हमारा गणित है, जो गिनती आप सीखते हैं, डेसिमल पोजिशनल नंबर सिस्टम, इस पर अलग से वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अंकों के इतिहास पर ये दुनिया में कैसे पहुंचा। तो वहां पे अरबों ने सीखा, अरबों ने ट्रांसलेट किया इस नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाया। तो इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के नाम से फेमस हुआ। एक और हमारा बीजगणित भी बहुत उन्नत था, अपने नाम सुना होगा अल ख्वारिज्मी, उन्होंने बहुत ट्रांसलेशन का काम किया और ऐसी बुक, अपनी बुक लिखी। तो उनकी बुक से अरबों के व्यापार के साथ नॉलेज आगे बढ़ रही है और जो ये नॉलेज इंडिया में पहले बन चुकी थी वो अब दुनिया में पहुंच रही है। तो पूरी दुनिया में लगा, और ये अच्छी बात थी उस समय के लोगों की, वो ओपननेस थी, उनके पास अपने सिस्टम थे, पर उन्हें जब उनसे बेहतर उन्नत एक सिस्टम मिलता है वो अपने को छोड़कर उसको अपनाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये लर्निंग की एक खास है, एक स्किल्स है, एक एटीट्यूड है जो हमें लर्निंग को लिए आगे बढ़ाए रखता है कि हम सुने दूसरों से बेहतर हैं उसको अपनाएं। तो ये कहानी हमें इस बारे में एक मैसेज भी देती है कैसे कैसे हमारा हिंदू कैसे हमारा गणना करने के तरीके पूरी दुनिया भर में पहुंचे और दुनिया भर ने इसको माना। कहानी के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की। फैक्चुअल डिटेल के लिए आप मेरी पॉडकास्ट अंकों का इतिहास उसको देख सकते हैं। कोई क्वेश्चंस, कुछ प्रतिक्रियाएं हों तो प्लीज हमारे साथ साझा कीजिए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। यह आपका अपना चैनल है, अभी कीजिए एक आसान सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, जिससे इस तरह के अमेजिंग वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। विकास शर्मा एजुकेशन फेसबुक इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, प्ले स्टोर पर आप लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बनकर अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी बातचीत को जारी रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।